ये मैं DHFA 7 में राइट नाउ खड़ा हूँ, जो बेदिया रोड का अंडरपास बना है। ये सामने आप देख सकते हैं जो 9 टाउन और 9 प्रिज्म को रास्ता जाता है नीचे, है ना, ये अंडरपास। इधर ही फेज 10 का जो है ना वो लेफ्ट साइड पे फेज 10 की कुछ एरिया है। बेसिकली ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये खासतौर पर जो है ना फेज 7 के कमर्शल के रेलिवेंट एक दो मेरे क्लाइंट थे जिनकी क्यूरी थी, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी सामने कमर्शियल बिल्डिंग ऑलरेडी फेज जो बेदिया रोड के पास फेज 7 का सेक्टर है वहाँ ऑलरेडी। ये सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, टैंकी नज़र आ रही है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है यहाँ अभी प्राइसेस उस तरह फेज 6 में जैसे बहुत ज़्यादा है या फेज 8 में बहुत ज़्यादा है उस तरह नहीं है, तो यहाँ अभी कुछ डेवलपमेंट जारी भी है। तो आप यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विद इन द 1 ईयर आपको अच्छा रिटर्न एज कम्पेयर टू बाकी जगह से मिलेगा। ये जो सीधा रोड आपको ये देख रहे हैं ये तकरीबन 140 फीट का रोड है 1 वे, तो ये आगे जाके आपको फेज 6 के जहाँ 7 रिंग रोड से मिलाता है, ठीक है, रिंग रोड पे लेके जाता है। इसी साइड पे आपको जो है ना दूसरी साइड पे जो है ना वो ये सर्वर रोड आ रहा है जो सीधा आगे जो है ना बेदिया रोड पे आपको टच करता है। बेदिया रोड आपके लेफ्ट साइड पे आ जाता है और राइट साइड पे आप जो है ना वो अगर जाते हैं तो वो आगे बड्डा चौक की तरफ आपको दोबारा फिर कट भी मिलता है। बेदिया रोड यहाँ से तकरीबन कुछ 5-4 किलोमीटर 6 किलोमीटर बनता है ये, और इधर से ही आप ये रिंग रोड पर चढ़ने के लिए बेदिया रोड से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसके रिगार्डिंग जो आपके कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात हो रही थी ये आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो रही हैं। तो यहाँ आप कोई फ्लैट अपार्टमेंट या कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहें या कमर्शियल आपको प्लाजा चाहिए हो या प्लस कमर्शियल आप प्लॉट लेना चाहें तो आप हमसे रब्ता करें। कुछ इन्वेंट्रीज हैं जो आपको गाहे बगाहे हम अपडेट भी करते रहेंगे, और ये ऑलरेडी सारा डिवेल्प है ना, घर भी बने हुए हैं और रेजिडेंस भी है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। इसके अंदर की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अंदर की जो लोकेशन हैं और इसकी बाकी डिटेल जो है ना वो आपसे शेयर करूँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।